ये चक्कर, ये गई, ये गई, गई तो ऊपर से गिरी वहां से। सीढ़ी किधर किधर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज गए हैं, तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगा। और सुबह से ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का। रोजाना ऐसे ही होता है, रोजाना ही नहीं मेरा दिल करता ब्लॉग करने का, लेकिन फिर मैं हिम्मत करता हूँ क्योंकि डाउन डाउन काफ़ी ज़्यादा फील करता हूँ। तो इस वजह से ना मैं दोबारा फिर हिम्मत पकड़ता हूँ, पकड़ते 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 तकरीबन 2 बज जाते हैं तो फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। रोजाना मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जब नया कोई नया डे आएगा ना तो वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं उसे लेता हूँ। और उस जब कोई पिछला डे गुजर जाए, उस दिन ब्लॉग अच्छा ना हो, तो फिर मैं उसे बोल जाता हूँ कि वो दिन तो गुजर गया, अब जो नेक्स्ट डे आ गया उस दिन में कोशिश करनी है कि अच्छा ब्लॉग बनाने की। तो इसी कोशिश में आप ना रोज़ रोज़ जो है ब्लॉग डाल रहा हूँ। लेकिन ये होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रही होती कि आज किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ, आज कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्या क्या करूँ। तो ये सारी मुश्किल का अभी सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करता हूँ। और 2-3 बज जाते हैं हिम्मत करते करते, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरे सामने ना मेरे 2 हेलमेट पड़े हुए हैं। तो ये जब मैंने बाइक ली थी ना अपनी न्यू, तब मैंने खरीदा था तकरीबन 2500 का। तो ये अब हो गया होगा अभी तकरीबन 2500 का, लेकिन इसकी क्वालिटी है वो कम हो गई है। तो ये मैंने तब लिया था जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी और मोटो व्लॉग करने थे, तो मुझे चाहिए था चिन वाला हेलमेट। तो ये चिन वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला हेलमेट लिया था। तब मैंने लिया था 6500 का, बाद में मैंने अपने फ्रेंड को लेकर दिया था तो उसने लिया था 7000 का, अब मैंने अपने मामू जी को लेकर दिया तो वो मिला हमें 9000 का। तो ये 2 हेलमेट मेरे पास पड़े हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। अब जो नया हेलमेट मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिल को लग गया, ऐसे कह रहे हैं ना कि दिल को लग गया, तो वो मेरा लेने को दिल कर रहा, लेकिन इतने पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं वो ले सकूं। तो वो हेलमेट जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये जो मैंने मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लगाया हुआ, तो ये भी मेरा सेट नहीं हो रहा, तो ये चेक करें कितने ज़्यादा जुगाड़ यहाँ पर मैंने लगा के रखे हुए हैं। लेकिन ना फिर भी अभी कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा हूँ, कि ऐसा रिज़ल्ट आए कि ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो, मज़ा आए, और जो मेरा मोबाइल का एंगल है ना वाइड एंगल वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा वो भी इशू है, लेकिन वो तो कवर हो जाएगा। लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाए तो फिर भी वो कवर हो सकता है। अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो मोबाइल का ना फ्लैश बंद हो गया, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ यार बाल ना मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कटवा लूँ, लेकिन अम्मी जी कह रहे हैं कि बाल अभी ना कटवाओ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साइड साइड से ना मैं छोटे करवा लूँ, ऊपर से ना ही ऊपर से नहीं करवाता, साइड साइड से छोटे करवा लूँ। तो सामान मेरा कल से फैसला फैसला के इधर ही रख लिया, ये मेरा चार्जर, ये मेरी हैंड फ्री, और ये अभी रखते हैं अंदर। यहाँ पे मेरा लगा हुआ है मोबाइल चार्जिंग, तो वो मेरा बैग पड़ा हुआ है, ये मेरा ट्राईपोड भी यहीं पे पड़ा रहता है, और इसकी भी बस होगी, इसकी भी ना एक टांग जो है वो कह रहे लंगड़ी लुली हो गई है, तो उसके अंदर जान नहीं रही। मैं चेक कर लूँ कौन सी टांग है, ये वाली टांग ही है मेरे ख्याल, हाँ ये वाली ना बस ऐसे ऐसे फालज हो गए, तो ये इसका ये हाल हो गया। और ये मेरा बैग भी इधर ही पड़ा, और इसे भी ना ऊपर ही लेके चलते हैं, कमरे में रखते हैं, यहाँ पे मिट्टी पर ना गंदा हो जाएगा। यहाँ पे अभी बन रहा है आलू चिकन का शोरबा, तो अभी खा लेते हैं खाना। यहाँ पे जो है रोटियाँ पकने वाली हैं, तो अभी खा लेते हैं खाना। क्या चीज़ आ गई है यहाँ पे, मैं देख लूँ, कह रहे गुलहरी जो है ना वो इधर आ गई है, तो मुझे तो नहीं नज़र आ रही अभी कहीं पर, इधर तो नहीं है, नखर डर गई है ना, इधर दे लेते हैं कहाँ पे लड़िए, बाहर आ जा, इधर भी नहीं है, नज़र ही नहीं आ रही कहाँ पे है। ये चेक करें गुलेरी इधर आ गई, बेचारी छत से गिरी है, और यहाँ पे अभी उसे भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये चेक करें, ये गई, ये गई, गई चल जा चल जा चल जा, गीली भी हो गई है, ओए 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 कहाँ जा रहा है बेचारी ने, ओए 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 यार मैथ हटा ना, मैथ हटा छाला कितना पड़ी जाती है, हलो ये लो ये लो ये लो, बेचारी ना डरी हुई है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा, अभी ये ना गाड़ी के नीचे चली गई है, मैं दरवाजा खोल दूँ बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, अभी मैं दरवाजा खोल देता हूँ बाहर निकल जाए, अभी तक तो नहीं बाहर निकली, निकल जा बाहर वापस, इधर आ गए, मैंने बाहर निकालना था, तो बाहर चला जा, बाहर वापस चली जा, गुलहरी थी इधर, अभी पता नहीं कहाँ चली गई, नज़र ही नहीं आ रही, ढूंढ रहा हूँ, तो बाहर भी नहीं निकली, यहीं पे कहीं पे है, तो अभी खुद ही निकल जाएगी, डर रही है हमारे से, तो पहले इधर गई है गाड़ी के नीचे, बाद में दोबारा इसके अंदर आ गई है, दोबारा यहाँ पे आ गई है, तो अभी नहीं मिल रही कहाँ गई, तो अभी खुद ही चली जाएगी यहाँ से, उससे है ना ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा, तो ऊपर से गिरी है वहाँ से, वहाँ से नीचे गिरी है, और फिर यहाँ पर चली गई है,
तो फिर यहाँ पे घूम के यहाँ से कोशिश कर रही थी ऊपर चलने की, लेकिन उससे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा, तो अभी यहीं पे है। तो पता नहीं कब जाएगी, तो मैं चला जाता हूँ अंदर, खुद ही निकल जाएगी। अभी एक मरतबा गुलारी को दोबारा देख लेता हूँ, बाहर से तो निकली नहीं है, तो मेरे ख्याल में अंदर ही फंसी हुई है। तो मैं ज़रा दरवाज़ा खोल दूँ, अगर अंदर हो ना तो फिर निकल जाएगी। तो अभी डर रही है मेरे ख्याल से, इधर तो नज़र ही नहीं आई, यहाँ तो गाड़ी के नीचे चली गई दोबारा, अभी नहीं नज़र आ रही यहाँ पे है यहीं पे, क्योंकि यहाँ से चढ़ने का रास्ता नहीं है ऊपर। गुलारी को तो मैंने दरवाजे वगैरह खोल दिया, तो वो निकल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं, हेयर कट करवा के आते हैं। राजा जी की दुकान ही बंद है, अभी चलते हैं फिलहाल घर, तो दुकान ही बंद है। तो मैंने फोन करके पता ही नहीं किया था उससे, हमारे न्यू मकान पे लगना है बिजली वाला मीटर, तो उसके लिए पीछे मैं सीढ़ी लेके आ रहा हूँ। तो ये जी जुगाड़ हमारा, तो ये इतनी लंबी सीढ़ी ना मैं अभी लेके जा रहा हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मैं आराम आराम से जा रहा हूँ। तो चलते हैं, वो जाके मीटर लगवा लेते हैं मकान का। चढ़ गए। बाइक चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई है, तो कभी बाइक इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, खास तौर पे मोड़ पे। तो एक दो मरतबा मैंने दीवार के साथ लगा भी दिया सीढ़ी, मुझे नहीं अंदाजा हो रहा। अभी ये सीधी रोड है, इसलिए मैं अभी ब्लॉग भी इसलिए कर रहा हूँ, तो आगे जाके ब्लॉग भी बंद कर देंगे, मत कह रहे थे पहुँच जाऊँ। अभी मैंने चेक किया, ये सीढ़ी मेरी मोटरसाइकिल ने लाइट के ऊपर आ गई है, बैक लाइट के, तो इससे मेरी बैक लाइट टूट सकती है। तो मजदूर ने कहा था मैंने कस के बांध दिया, लेकिन सारी खुल गई। तो अभी है ना आराम आराम से चलते हैं, मेरी बाइक लाइट ना जो है टूट जाए। अभी सामने ये वाला रास्ता आ गया, यहाँ से गुजारनी है सीढ़ी इतनी लंबी, तो पीछे से ये हाल हो गया ये सीढ़ी का, तो यहाँ से गुजारनी है। अभी सीढ़ी किधर चली गई, अभी जो है वो सामने पहुँच गया, अभी सीधा ही जाना है। तो पीछे से मेरी बैक लाइट है ना, तो वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है टूट ही गई है, अभी देख लेते हैं उतर के। सीढ़ी लेके आऊँ थोड़ी सी, ये सीढ़ा ना यहाँ से डैमेज हो गई है, तो बाकी यहाँ से थोड़ी सी, बाकी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ी सी डैमेज हो गई सीढ़ी। अभी तकरीबन शाम के 6 बज गए, तो मीटर तो आज लगा नहीं, मीटर इंशाल्लाह ताला सुबह लगेगा। तो अभी जो है राजे को भी मैं कॉल किया, तो वो उठा नहीं रहा, तो अभी दोबारा उसकी दुकान पे चलते हैं, देखते हैं दुकान खोली कि नहीं खोली। दुकान फिर से इसकी बंद ही है अभी भी, आज के जितने भी काम थे ना तो वो सारे रह गए। तो अभी मौसम की कॉल आ गई, तो उसे भी काम जाना है, तो उसके साथ जाने लगा। तो बाल कटवाने वाले भी रह गए, उस महाराजा जो दुकान ही नहीं खो रहा, यहाँ पे बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे, मौसम भी यहीं पर खड़ा। आ जा। आज वैसे मैंने सोचा था अपनी बाइक निकालूंगा, क्योंकि कितने में 4-5 दिन हो गए बाइक निकाली नहीं, उसमें फ्यूल भी ना भरवाया नहीं है। तो आज मैंने सोचा था उसे रीफिल करवाएंगे और उसे चलाएंगे और थोड़ा सा मोटो ब्लॉग करेंगे, तो ना मेरा मोटो ब्लॉग वाला सेटअप ठीक हुआ, ना आज बाइक निकाल सके, अभी कहाँ पे आ गए। ये अभी अपनी LED लेके आ गया। नहीं, एक मिनट, एक केस जमाने दी है, 1971 कंपनी करी है सिस्को। नहा के कपड़े वगैरह तो मैंने चेंज कर दिए, तो अभी ये जो सेटअप है ना दोबारा से हिंदी सेटअप करते हैं, और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। बड़ी मेहनत के साथ सेट किया था, अभी दोबारा सेट करते हैं, तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह बाहर, थोड़ी सी राइड करके आते हैं बाइक की। माइक की पोजीशन जो है मैंने फिलहाल चेंज कर दी है, तो अभी चलते हैं बाइक राइड पे और चेक करके आते हैं। और ये व्लॉग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, इसी नोट के साथ कि इस व्लॉग को लाइक करें, लाइक चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और अभी चलते हैं बाइक राइड पे, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे आप देखेंगे।